मंडी के लोकप्रिय विधायक भाई पीछे आ जाओ माननीय मदन दिलावर जी, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, हो जाएगा तुम्हारा। खेराबाद पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती कलावती देव जी, उप प्रधान सुनील गौतम जी, उप जिला प्रमुख कृष्ण कुमार अहिर जी, मंच में विराजे सभी नेतागण, सभी मंडलाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और जिनके वार्ड में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, उस वार्ड के वार्ड पार्षदगण, नगर पालिका के सभी वार्ड पार्षदगण, अतिथियों, देवियों, सज्जनों, विद्यार्थी साथियों, रामलंग मंडी देश का वह नगर है जिसकी पहचान देश और दुनिया के अंदर है। जब मैं देश के बाहर कहीं जाता हूं तो कई जगह मैं कोटा स्टोन के पत्थर को देखता हूं तो मुझे गर्व होता है वहां के एम्बेसी को और वहां के देश के लोगों को कि वो मेरे इलाके का पत्थर है। जब मैं दुबई और दुबई के आसपास के देशों में जाता हूं और जब मसाले की चर्चा आती है और कई नेशनल इंटरनेशनल स्पाइस सेमिनार में जाता हूं तो मैं कहता हूं कि सबसे अच्छी महक कहीं है तो धनिया की, तो वो भी रामलंग मंडी। तो इस नगर, इस शहर की पहचान केवल देश में नहीं, जिस शहर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो वो शहर ऐसा ही होना चाहिए। ये सपना यहां के विधायक भी देख रहे हैं, यहां की जनता भी देख रही है और मैं यहां का प्रतिनिधि हूं, मैं भी इस सपने को देख रहा हूं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यहां पर हो। चाहे खेल का मैदान हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे दिल्ली बंबई का रोड हो, आने वाले समय में दिल्ली बंबई रोड के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, एक ऐसी पहचान जिससे आने वाले समय के अंदर हम विकास में, औद्योग में, कृषि उद्योगों में इसकी पहचान बना सके। पिछली बार मैंने स्पाइस के कुछ जो भारत में के हैं, जो दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, उनको मार्च में एक मीटिंग बुलाई है, पीयूष गोयल जी भी उसमें होंगे, और किस तरीके के जो यहां स्पाइस पार्क बना हुआ है हम उसको इंटरनेशनल स्तर का स्पाइस पार्क कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा होनी है। और अगली बार जब मैं आऊंगा तो यहां कॉमर्स मिनिस्टर भी आएंगे, स्पाइस के बड़े बड़े इंडस्ट्री सेक्टर के लोग भी आएंगे और कुछ इंडस्ट्री लेके आएंगे जहां स्पाइस पार्क की इंडस्ट्रीज हो और दूसरा यहां एक हिपको का इलाका है जिसके लिए मेरी लगातार चर्चा चल रही है कि यहां पर एक इंडस्ट्री आ जाए, वो इंडस्ट्रीज आने वाले समय की बैटरीज जो
व्हीकल हमारे हैं उस व्हीकल के अंदर एक आधुनिक बैटरी के निर्माण के निर्माता जो मेरे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं आंध्र प्रदेश के जयदेव गल्ला जी, मैंने उनसे आग्रह किया है कि वो उत्तर भारत के अंदर के इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। मैंने आग्रह किया है कि इंडस्ट्री लगे तो मेरे इलाके में लगे, अगले महीने वो भी आएंगे। तो आने वाले समय में रामगंज मंडी में आएंगे। आज रामगंज मंडी की बात होगी तो उनसे मैंने आग्रह किया है उनको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर भारत में इंडस्ट्री लगानी है जो देश और दुनिया के बड़े इंडस्ट्री हब चलाते हैं, बैटरी बनाने वाले सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनसे भी आग्रह किया। तो जो एक विजन से काम करने की कोशिश करते हैं, प्रयास ये रहता है कि किस तरीके से इलाके का विकास हो सके। अब इतना बड़ा इलाका आजादी के 70 साल बाद, मुझे शिवराज जी बता रहे थे यहाँ कोई शिलान्यास भी करके गया था, मुझे लगता तो नहीं कि शिलान्यास यहाँ का किसने किया होगा। और शिलान्यास करने की आदत होगी या तो इसलिए शिलान्यास कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ के ग्राउंड को देखकर लंबी रहा। जब मैं अंदर घुसा था तो मेरी पहली चिंता का विषय था कि इतनी दूर ये स्टेडियम जो बनने वाला है उसमें लोग खेलने आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन ये जब खेल स्टेडियम पूरा हो जाएगा, मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन का दौर आएगा और आने वाले समय के अंदर इंटरनेशनल स्तर की जितनी सुविधाएं अभी यहां पर है उसका एक शानदार स्टेडियम यहां पर हम बनाएंगे। अब ये 4.5 करोड़ की लागत का पहले शिलान्यास हुआ है जिसमें 4 बैडमिंटन कोर्ट होंगे, टेबल टेनिस होगा, बास्केटबॉल होगा, कुछ चेंजिंग रूम होंगे, कुछ लॉन टेनिस होंगे। ये इंडोर स्टेडियम है लेकिन जमीन अभी बता रहे हैं कि 35 बीघा अलॉटमेंट हुई थी, मौके पे 2.5 बीघा है। गांव वाले सहयोग करेंगे और 35 बीघा अगर हो जाएगा और व्यवस्था परिवर्तन हो गई जनवरी में, तो अगले जनवरी 2024 से 2025 की जनवरी जब शुरू होगी उस 1 साल के अंदर इस स्टेडियम के निर्माण के बाद सेकंड दौर के अंदर हम यहां पर एक बेहतरीन स्टेडियम जिसमें स्विमिंग पूल होगा, जिसमें स्टोट्रप होगा, अभी हमने बूटी में 20 करोड़ की लागत से बनाया है जिसमें स्विमिंग पूल भी है, स्टोट्रप भी है और उसके साथ खेल के मैदान है और कुछ खेल के खिलाड़ियों के लिए खेलने के कमरे। समय लगेगा लेकिन सपने देखेंगे तो उसके लिए प्रयास भी करेंगे। कई बार मुझसे कहते हैं बिरला जी आप सपने बड़े बड़े देखते हो, मैंने कहा अगर सपने देखूंगा तो प्रयास कैसे करूंगा, सपने देखूंगा कुछ लोगों से अपेक्षाएं होगी, उस अपेक्षा के लिए बात करेंगे तो पूरे होंगे। क्योंकि यहां पर नहीं, रामगंज मंडी के बाद लाखेरी, लाखेरी के बाद सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के बाद इटावा, करीबन 100 करोड़ की लागत से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर अभी खेल स्टेडियम के काम चल रहे हैं 100 करोड़ की लागत से। पचहत्तर साल के अंदर कभी 1 करोड़ का भी अगर स्टेडियम बन जाते तो लोग कहते हमने 1 करोड़ का बनाया। अभी दिलावर जी बता रहे थे चाहे तागली बांध हो, चाहे सड़के हो, आने वाले समय में सुकेश से राम मंडी की सड़क जो सेंटर रोड फट में भी स्वीकृत हो चुकी है और राज्य में भी स्वीकृत हो चुकी है, दोनों को मिलकर बहुत पुरानी मांग है, वो भी पूरी होगी। अब हमारी चिंता ये कि इस स्टेडियम को हम कैसे कनेक्टिविटी रोड से जोड़ें ताकि खिलाड़ियों को, नौजवानों को,
यहाँ पर खेल में आने में सुविधा हो, क्योंकि अभी इसका काम बहुत बाकी, इसकी बाउंड्री वॉल होनी है, बाउंड्री वॉल के लिए शेड बनना है, सीढ़ियां बननी है। मुझे लगता है कि ये तो कुछ व्यवस्था परिवर्तन के बाद ही 2024 जनवरी से शुरुआत होगी, क्यों दिलावर साहब? और इसकी शुरुआत तो 2000 जनवरी से होगी, क्योंकि नगर पालिका इलाके के अंदर इस सारे काम को करने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है, और राज्य सरकार में इतनी घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को पूरा करने में एक लंबी समय चल जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब सरकार कहां से धन लाएगी तो वो जाने, लेकिन घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी है। लेकिन आप निश्चित मानिए, मैं जब यहां आया था तो उसकी तैयारी करके आया था, मैंने खेल मंत्री जी से आग्रह किया है कि इसका एक व्यापक प्लान बनाकर भेज देंगे। तो मुझे लगता है कि इस खेल स्टेडियम को हम बेहतरीन बनाने का काम करेंगे, क्योंकि खेल मैदान आज की आवश्यकता है। बेहतरीन खेल की सुविधाएं मिलना, ताकि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले। अब चाहे बैडमिंटन का हो, चाहे कबड्डी का हो, चाहे खो खो का हो, चाहे कुश्ती का हो, हर खेल के अंदर नई तकनीकी से खेल मैदान में खेलने की आवश्यकता है। और कोई प्रतियोगिता को प्रतियोगी बनना है और नेशनल इंटरनेशनल पर कंपटीशन करना है तो उस संसाधन की उसको आवश्यकता उस गांव में होने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश है कि रामनगर मंडी एक बड़ा शहर है, यहां पर वह सब सुविधाएं हो ताकि खिलाड़ी यहां पर खेल सके। जितना हम खेल के मैदान विकसित करेंगे, जितने नौजवानों को खेल की ओर आकर्षण पैदा करेंगे, उतना ही हमारा नौजवान देशभक्त बनेगा, राष्ट्रभक्त बनेगा, चरित्रवान बनेगा। मैं रोज स्टेडियम जाने वाला व्यक्ति हूं और मैं एक सामान्य खिलाड़ी और सामान्य नौजवान के जीवन में अंतर देखता हूं। खिलाड़ी के अंदर जीवन में डिसिप्लिन होता है, तन से स्वस्थ होता है, मन से स्वस्थ होता है, चरित्रवान होता है, देशभक्ति होती है। ये एक सामर्थ्य पैदा होता है जो खिलाड़ी खेल के मैदान में आता है। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि रामनगर मंडी के अंदर हर बच्चा खेल के मैदान में आए, उसको जो जो सुविधाओं की आवश्यकता है सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे। एक दिन में संभव नहीं, लेकिन आने वाला समय हमारे लिए है कि आने वाले 3 साल के अंदर हम इसको एक राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान बनाने का काम करेंगे, जिसकी मैंने तमाम सुविधाएं आपको बताई, वो सारी सुविधाएं यहां उपलब्ध होंगी। मैंने 1 साल अभी शुरुआत की है, 2 साल निर्माण कार्य, क्योंकि इसकी बाउंड्री वॉल बनना, इसके जमीन का समतल करना, इसमें घास उगना, बहुत सारे काम इसमें भी बाकी है, रोड कनेक्टिविटी होना, पीने का पानी की सुविधा होना, तमाम चीजें एक खेल मैदान के लिए जो आवश्यकता है वो होगी। और यहां पर जो भी मैंने बताया, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे सुबह घूमने के लिए आवश्यकता हो, जिमो, एक छत के नीचे सारे के सारे खेल मैदान की सुविधाएं मिलने का लक्ष्य हमारा है, और लक्ष्य तो पूरा भी करेंगे, कोई कमी पैसे आने वाली नहीं। और इसलिए आप निश्चित मानिए, रामगंज मंडी अब विकास की ओर है, थोड़ा समय इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मदन दिलावर जी को रोज विधानसभा के अंदर लड़ना ही लड़ना पड़ता है, सुनते नहीं है पर लड़ते रहते हैं, न थका न निराश। इनके इलाके के अंदर कोई सड़के हो तो उन्होंने कहा किसकी है, मदन दिलावर जी के कार्ड को, क्या स्टेडियम होने का कार्ड हो, कॉलेज होने का कार्ड हो,
कितने दिन काटेंगे जी? विकास न तो रुकने वाला है न तो रोक सकता, हमारी ये सामर्थ्य है। राम मंदिर ने जो प्यार हमें दिया, आशीर्वाद हमें दिया है, हमारा यही फर्ज बनता है कि इस आशीर्वाद, इस कर्ज को चुकाने के लिए पूरी सामर्थ्य और शक्ति से काम कर रहे हैं, चाहे विधायक के रूप में, सांसद के रूप में। मैं जब चुनाव लड़ा तो चुनाव की वोटिंग की पेटी फूटी तो मुझे बड़ा अहंकार था कि कोटा दक्षिण से सब तो मेरे, मैं केवल कोटा दक्षिण और राम मंडी का कंपटीशन ही देख रहा था, तो मन में निराश जरूर हुई कि दक्षिण से ज्यादा राम मंडी ने जीता। लेकिन आप निश्चित मानिए मेरा भी फल बनता है, कुछ चीजें तकलीफ रहती है जो राज्य सरकार के अंदर रोज मदन जी को जो संघर्ष करना पड़ता है, एक एक काम के लिए हमें भी कहीं ना कहीं रुकावट पर काम करना पड़ता है। लेकिन अब समय दूर नहीं, आप निश्चित मानिए राम मंदिर को चाहे इंडस्ट्रीज के रूप में, चाहे कोटा स्टोन के डेवलपमेंट के रूप में, चाहे एग्रोबैस के आधार पर, चाहे खेल और अन्य सुविधाएं, रेलवे स्टेशन से लेकर तमाम चीजें, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, जितनी रोड कनेक्टिविटी बेहतर होती उतना ही इलाके का डेवलपमेंट होता है। और मुझे आशा है कि सबसे बेहतर रोड कनेक्टिविटी आज है तो राम मंडी की है, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि जो रुको का इलाका है उसको बेहतर रोड कनेक्टिविटी से करते, ताकि एक इंडस्ट्री हब बढ़िया तैयार हो जाए। एक नहीं आएगा दूसरे की कोशिश करेगी, तीसरे की कोशिश आएगी, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, इंडस्ट्री आती है तो कुछ समृद्धि आती, खुशहाली आती है। एग्रो इंडस्ट्री जाएगी तो किसानों को उनकी उपज का मूल्य ठीक मिलेगा, हमारी महिलाओं को काम मिलेगा। पास में ही निमराना का मसाला पार्क है, हमारी कोशिश होगी कि इंडस्ट्री वाले को कहेंगे कि 70% महिलाओं को काम दे, ताकि रोज वो भी 200-250 रुपया कमा सके। आप निश्चित मानिए जो प्यार से आपने आशीर्वाद दिया, हमारी कोशिश है कि हम उसी तत्परता से पूरी शक्ति और सामर्थ्य आपकी सेवा करें। आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद।